हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है यामा की न्यूली लॉन्च FZS वर्जन 4। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू करेंगे, साथ ही जानेंगे इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या क्या कलर स्कीम में ये गाड़ी आती है, ठीक है, और क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या फीचर सबको मिलता है, और क्या माइलेज है, इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, गाड़ी का स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या बदलाव किया है यामा कंपनी ने। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक्स टू बनयान यामा, राजा हट जिन्होंने हमको एक गाड़ी दिया। अगर आपको यामा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो शोरूम का फ़ोन नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको LED में इंडिकेटर मिल जाता है जो फुली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरी चेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको LED में DRL मिल जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी चेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइजर पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप हेडलाइट का डिज़ाइन देख सकते हैं जो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। चलिए मैं आपको गाड़ी ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइट का डिज़ाइन जो पूरा चेंज हो चुका है, जो पहले से बेहतर लग रहा है। और इसका लाइट का थ्रो आप देख सकते हैं जो पहले से अच्छा है। चलिए मैं इसको हाई भी ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं लाइट का विजिबिलिटी पहले से बहुत अच्छा है। जो पहले लोगों को परेशान था कि नाइट का विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं था, तो अभी आप देख सकते हैं नाइट का विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए इसको एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है। और तीसरी चेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाइज़र को चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको यामा का लोगो मिल रहा है, ठीक है, और दिखने में जो बहुत बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइज़र का डिज़ाइन है बहुत ही कॉम्पैक्ट रखा गया है, लेकिन गाड़ी के साथ बहुत सूट कर रहा है। पहले का जो वाइज़र आप मिलता था वर्जन 3 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा राउंड शेप में था, लेकिन ये स्क्वायर में है जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और अगली चेंज की बात करें तो जो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा चेंज है। यहाँ पे आप मीटर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको MT15 वाला मीटर मिलने लगा है, जो पहले एक छोटा सा मीटर मिलता था उसमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं इतना बड़ा सा आपको मीटर मिलने लगा है। इसमें एक हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया, ये ट्रिप का। यहाँ पे आपको एवरेज भी दिखाएगा, रेंज भी दिखाएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने लगा है, ठीक है। और पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं FZ का 3D में लोगो मिलने लगा है। और पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यामा का लोगो मिलता है। और प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, कलर स्कीम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस गाड़ी में दोस्तों आपको 3 कलर मिलता है, ठीक है, एक है मैजिस्ट्री रेड, और एक है मेटेलिक ग्रे जो ये कलर है, और एक है मेटेलिक ब्लैक कलर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 41mm का एक मोटा सा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको यामा का ब्रांडिंग मिलता है। और फ्रंट के टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 100x86mm का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। आप अलॉय व्हील का डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और डिस्क ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको 282mm का डिस्क मिल जाता है सिंगल चैनल ABS के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ABS की प्लेट, और कैलिपर आपको बाइबिल की तरफ से मिलता है। अभी इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 149cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर SOHC 2-valve इंजन मिल जाता है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है आपका 12.4 PS 7250 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो आपका 13.3 Nm जो आपका 5500 RPM पे वर्क करता है। यहाँ पे आपको यामा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर मिलता है, ये आपका ऑटो सेंसर, एक कैटलिटिक कन्वर्टर हो गया। और इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट ब्लैक के साथ साथ ग्लॉस ब्लैक में डुअल कलर में आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसका एक जो कॉम्पिटिटर है सुजुकी का जिक्सर, उसमें आपको 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन उससे यहाँ पर आपको बेहतर मिलता है। और कार्बोरेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 136kg का कार्बोरेट मिलता है, मतलब आपको वेट टू पावर रेशियो काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो आपका इसका कंप्यूटर है सुजुकी का जिक्सर, तो उसमें आपको 142kg का कार्बोरेट मिलता है, और उसमें पावर भी सेम ही मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको वेट टू पावर रेशियो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पैनल आपको मैट कलर में मिलता है, और एग्जॉस्ट नोट पहले की तरह ही है, डुअल कलर में आता है सिल्वर के साथ साथ प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक में मिल जाता है। और पीछे की डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 220mm का डिस्क मिल जाता है, और पीछे में आपको 140x60 R70 इंच का
ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाता है 16 का एलॉय व्हील के साथ। और आप देख सकते हैं एलॉय व्हील आपको ब्लू कलर मिलता है। यहाँ पे आपको बड़ा सा टायर हैंगर मिलता है, अगर आप बारिश के समय गाड़ी चलाते हो तो आपका कचरा ऊपर नहीं आएगा। और यहाँ पे भी आपको टायर हैंगर मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लैक कलर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, ये पीछे का ब्रेक का फ्लूइड। चलिए आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं गाड़ी का, ऑन कर देते हैं। दोस्तों का गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट काफ़ी बेसी है, और एग्जॉस्ट नोट सुन के आपको पता लगता है गाड़ी का इंजन कितना स्मूथ होगा। वैसे भी वो यामा का इंजन काफ़ी स्मूथ रहता है, ठीक है। अभी इस तरफ से बात करें तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ। यहाँ पे आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, जो आपका 1-down 4-up होता है। गाड़ी में आप देख सकते हैं आपको सेंट्रल स्टैंड मिल जाता है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिलता है। रियर में आपको एल्युमिनियम का रियर फुटरेस्ट मिल जाता है। और ये गाड़ी आपका FI है, ठीक है। और इस गाड़ी का जो सीट हाइट है वो आपका 790 mm है, जो कोई भी राइडर के लिए कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट का कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, और सीट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। आपके घर में बीवी हो, बच्चे हो, माँ हो, आप किसी को भी बैठा सकते हैं सीट में, ठीक है। और दोस्तों कलर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 कलर मिलता है। एक है ये मेटलिक ग्रे कलर, एक है मेटलिक ब्लैक कलर, और एक है मैजिस्ट्री रेड कलर। अभी तो फिलहाल यही एक कलर है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इसको मैजिस्ट्री रेड कह सकते हैं, और दूसरा एक इसका ये ब्लैक वर्शन आता है, वो मेटलिक ब्लैक है, ठीक है। और माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको लगभग 50-55 तक माइलेज मिल जाएगा। और यामा की तरफ से यहाँ पर आपको 3 सर्विस फ्री मिलता है। और क्लच की बात करें तो यहाँ पर क्लच काफ़ी अच्छा है, और आपको वही वाला मिरर मिल जाता है। और स्विच गियर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की स्लॉट आपको पेट्रोल टैंक के ऊपर मिलता है। और यहाँ पे ये आपका हाई बिल लो बिल, ये पासिंग का, ये इंडिकेटर का हो गया, ये हॉर्न का, हॉर्न काफ़ी लाउड है गाड़ी का। और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, ये सेल्फ का, यहाँ पर आपको मास्टर सिलेंडर ब्लैक कलर में मिलता है, ठीक है। और भाई आप देख सकते हैं मीटर काफ़ी अच्छा है, और कितना बड़ा है। यहाँ पे आपको नेगेटिव मीटर मिल जाता है, ठीक है, जिसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। चलिए अभी प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है कोलकाता राजा बनियान मोटर्स के हिसाब से, मैं आपको अप्रॉक्स बोल देता हूँ, ठीक है, वो है 1,53,000। इसका जो कंप्यूटर है सुजुकी जिक्सर, उसका 2 मॉडल है, एक है SF, एक है नेकेड। जो उसका जो स्पेसिफिकेशन है उससे ज़्यादा फीचर्स आपको इसमें मिलता है, और उसका जो प्राइस है वो ऑन रोड अप्रॉक्स 1,70,000 के आता है। तो मुझे लगता है कि सुजुकी वालों ने आपका गाड़ी का, अपने गाड़ी का जो प्राइस है उसे बढ़ाता ही रहता है, लेकिन फीचर्स नहीं देते। लेकिन यामा वालों ने काफ़ी सारा फीचर्स यहाँ दिया है, और ये गाड़ी आपके लिए अगर आप 1,53,000 में खरीदते हो तो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में यही था, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।